तो स्वागत है मित्रों आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। अब समस्या क्या हो रही है, कई बच्चों के क्या है, कई बच्चों का मतलब है कि वैसे तो अनन्या के आई है समस्या, लेकिन ये समस्या सही है, बहुत सारे बच्चों के आती है, तो ये चीज़ अपन क्लियर करते हैं यहाँ पे, है ना। अब जैसे ये सेंटेंस है, कई सारे बच्चों की समस्या आ जाती है इसमें कि क्योंकि वो अभी तो यहाँ देख रहे हैं, अभी एक ये इंटरोगेटिव वाक्य है, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो है WH, एक रूल है। देखो भाई, WH वर्ड का, WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर वो क्वेश्चन है, तो उसका एक पैटर्न है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, है ना। लेकिन जब ये सेंटेंस बन जाता है स्टेटमेंट, नॉर्मल सेंटेंस, क्योंकि जैसे ही अपन इसको करेंगे, शी आस्क्ड मी, और ये वाई जो लगाएंगे, ये वाई अब क्या हो गया है, वाई अब यहां पर एज अ कंजक्शन है, एज अ कंजक्शन काम कर रहा है, न कि एज अ WH वर्ड। ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये बस एक कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो अब ये जो सेंटेंस है, ये अब इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। तो जब इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, तो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। तो इसीलिए हमें ये यू परिवर्तन करना है मी के अनुसार, आई, फिर ये डिड जो करना है वो हैड में, फिर ये सेल जो है ये होगा सोल्ड में, योवर जो है वो होगा मी के अनुसार, है ना, माय, होम का होम, टू का टू, मी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू शी, और ये हो जाएगा हर में। हमेशा हमें याद रखना है कि अगर कोई WH वर्ड है, तो वो जब इन्वर्टेड कोमाज यानी डायरेक्ट में रहेगा, तब तो वो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो फॉलो करेगा WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की जो भी होगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबर लाए हैं आप 8 में से, कई सारे बच्चों के बहुत सारे राइट हैं, है ना, कईयों के आउट ऑफ आउट हैं, कईयों के 4 5 6 7 हैं, कईयों के 3 भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हमेशा याद रखे दुनिया में, कहना मतलब कि जो गिरना जानता है ना, वही उठना जानता है। गिरना सीखो, अगर कोई बंदा गिरने की वजह से चल नहीं पा रहा, तो वो गधा है। कहना मतलब कोशिश करना, करते रहो, फेलियर बहुत जरूरी है लाइफ में, आज नहीं कल नहीं, फेलियर तो फेलियर, एक फेलियर और सक्सेस एक दूसरे के साथ ही है। तो मैं यूं नहीं कह रहा कि फेल हो जाओ जबरदस्ती, फेल अगर हम हो गए प्रयास करने के बावजूद भी, जैसे भी क्रिकेट मैच होता है, हम उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, हमारा 100% देते हैं, और फिर भी क्योंकि इट इज अ टीम गेम, एक टीम गेम है, टीम अच्छा नहीं करी तो अपन हारेंगे, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। यूं नहीं कि भाई अपन उसको क्या नाम से उसका कि मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। भाई साहब, स्टार स्टार प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अपन अब तुमने वहां घर पे तो करे ही है, थोड़ा सा यहां पे भी करके बताओ, देखा मुझे यहां पे ही करके बताओ सेंटेंसेस, है ना। हाँ
चलो ध्यान दो, आंसर बता रहा हूं मैं, चेक करना बेटा। शीनम आस्क्ड मी, कनेक्टिव के रूप में वाई, यू का परिवर्तन मी के अनुसार आई, आर प्लस वी वन में एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, तो ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूस में वॉज बीटिंग। माय सन का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू शीनम हर सन, ठीक है। किस किस के राइट है? नाइस। अपने क्यों नहीं है बेटा? वा प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इज एम आर प्लस वी वन में एन जी, उसका टेबल नंबर टू के अनुसार अपन वाज वर प्लस वी वन में एन जी करते हैं, याद होना चाहिए, याद करते ही नहीं हो तुम। आई आस्क्ड महक व्हाट, व्हाट इज द कंजक्शन है ना, यू का परिवर्तन महक के अनुसार शी, विल का वुड है ना, बाय का बाय, फोर का फोर है ना, मी का चेंज होगा, आई के अनुसार मी रहेगा है ना, ऑन माय बर्थडे। अब माय बर्थडे भी चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई के अनुसार क्या चेंज होगा माय का, माई रहेगा है ना। फिर है इसी का आस्क्ड मी व्हेन, यू का परिवर्तन मी के अनुसार आई, वुड गिव, मी का परिवर्तन इशिका के अनुसार हर, माय का परिवर्तन इशिका के अनुसार हर पेन। किस किसके हैं? तीन पे तीन राइट, तीन के तीन राइट किसके हैं? तीन में से दो, एक, एक भी एक है कोई नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माय डियर, ये तुम्हारे डब्ल्यू एच वर्ड के भी खत्म हो गए। अब अपन पढ़ेंगे इंपेरेटिव के रिपोर्टेड स्पीच। काहे के रिपोर्टेड स्पीच? इंपेरेटिव के है ना। तो आर एस ऑफ इंपेरेटिव, अब इंपेरेटिव के सेंटेंसेस जो होते हैं माय डियर, वो चार प्रकार के होते हैं है ना, इट इज ऑफ फोर टाइप्स। नंबर एक वी वन के, नंबर टू डोंट से, रुद्रा बेटा आप तो यार चुपचाप बैठ जाओ या फिर है ना नीचे चल जाओ, प्लीज काइंडली से, और फोर्थ लेट से है ना। अब इसमें सबसे पहले है आर एस ऑफ वी वन। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है, अब लिखो मत, ध्यान दो यहां, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि आर एस ऑफ वी वन है, दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच किसके? वी वन के। अंदर वाला वाक्य की शुरुआत कैसे होगी? वी वन से। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज किससे स्टार्ट होगा? वी वन से। यानी कहने का मतलब ये है कि अंदर वाला वाक्य यहाँ फर्स्ट में ही वी वन आ जाएगी, पीछे कुछ भी हो फर्स्ट में ही वी वन आ जाएगी है ना। तो इसमें क्या करते हैं माय डियर, बहुत इजी है, ज्यादा समझदारी वाला काम नहीं है, बस थोड़ा मूड समझ आना चाहिए सेंटेंस का। तो सेट टू का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ द सेंटेंस क्या रहेगा? ये हो जाएगा, मैं जो एरो लगा के लिख रहा हूं, अगर ऑर्डर का भाव हुआ तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या कमांड, कमांडेड। अगर रिक्वेस्ट का भाव हुआ तो रिक्वेस्टेड। अगर सजेशन का भाव हुआ तो सजेस्टेड। अगर एडवाइस का भाव हुआ तो एडवाइज, एडवाइज्ड है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेड या बिडन,
ठीक है, ये कर देते हैं, ये चेंजेस करते हैं अपन, और कनेक्टिव के रूप में अपन लगाते हैं वी वन वाले में हमेशा क्या लगेगा, टू। कनेक्टिव रूप में क्या लगाएंगे, टू। अब यहां तक लिख लो। तो माय डियर, अपन ने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं चार प्रकार के, वी वन से, डोंट से, प्लीज काइंडली से, यानी अंदर वाले वाक्य, इनसे किसी से शुरू हो तो वो क्या कहलाएंगे, इंपेरेटिव। इसमें क्या होता है, सेट टू की जगह पर अपन अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मूड के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड या बेड कर देते हैं। बेड तब करते हैं जब हमें समझ नहीं आए, ठीक है ना, और कनेक्टिव के रूप में टू लगाते हैं। तो चलो सेंटेंस देखते हैं, जैसे पेसिव इजी थे वैसे ही ये होते हैं जब तक कि इनके पीछे कोई सेंटेंस नहीं आए, डबल सेंटेंस नहीं आ जाए। अभी समझाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे। पहले अपन नॉर्मल नॉर्मल देखेंगे, फिर अपन देखेंगे दूसरे, जैसे कि सी सेड टू मी वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। सी सेड टू मी वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, ठीक है। अब उसने क्या करा भाई, उसने मुझसे कहा कि भाई सफलता के लिए क्या करो, कठोर परिश्रम करो, और कठोर परिश्रम ही करना पड़ता है, सफलता यूं नहीं आती, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो शी, तो उसने मुझे सजेशन दिया, सलाह दी, है ना। तो एडवाइस, एडवाइज्ड, सी एडवाइज्ड मी, अब कनेक्टिव के रूप में टू, जैसे ही टू आएगा तो वो वी वन ही लाता है, टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। जब तक कोई सेंटेंस दूसरा नहीं आएगा तब तक कोई परिवर्तन ही नहीं करना, एज इट इज रखना है, मूड पहचानना है, सेट टू का वो परिवर्तन करना है, टू लगाना है और पूरा वाक्य एज इट इज लिख देना है। अगर इसमें टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटिव कोई वर्ड होता तो वो बदलते, प्रोनाउन संबंधी कोई वर्ड होता तो वो बदलते, ठीक है ना। जैसे कि अभी एक और बता देता हूं मैं, आई सेड टू हर कंप्लीट योवर एच डब्ल्यू, ठीक है। आई सेड टू हर कंप्लीट योवर एच डब्ल्यू, ठीक है। तो आई सेड टू विल बी चेंज इन टू, भाई आदेश है ये, क्या है, ऑर्डर है, कंप्लीट योवर एच डब्ल्यू, ऐसे तो ऑर्डर है ये, ओ आर डी आर ई डी। आई ऑर्डर्ड हर टू कंप्लीट का कंप्लीट, ये योवर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू हर, तो योवर इज अ सेकेंड प्रोनाउन, भाई यू का सेकेंड ही तो है, तो हर का सेकेंड क्या है, तो हर का सेकेंड होता है हर एच डब्ल्यू, ठीक है। अब एक सेंटेंस में और बता रहा हूं जिसमें हम आगे भी लेके जाएंगे इस सेंटेंस को, है ना। शी सेड टू मी गिव मी My money, give me my money. That I gave you on your birthday. अब इसमें क्या हो गया, दो सेंटेंस आ गए माय डियर, है ना। जैसे ये यहां से यहां तक आ गया, फिर ये दैट कनेक्टिव आ गया, फिर यहां से यहां तक ये सेंटेंस आ गया, आगे ना दो दिख रहे, दिख रहे। अब दो सेंटेंस आ गए तो इसका मतलब इसमें तो टेंस नहीं बदलेगा, बट उसमें टेंस बदलेगा, है ना। तो क्या बनेगा देखो, शी सेड टू, अब ये उससे कह रहा है कि भाई मेरे को मेरा पैसा वापस दे जो मैंने तेरे बर्थडे पे दिया था। तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकता है ना भाई, रिक्वेस्ट कर सकते ना अपन। एक तो मैं दे ही नहीं रहा हूं पैसे, जैसे अपन किसी को उधार दे देते हैं तो वो दे ही नहीं रहा, तो फिर अपन रिक्वेस्ट ही तो करेंगे, बड़ा आदमी होगा तो अपन तो रिक्वेस्ट करेंगे, भले ही बड़ा आदमी अपना इज्जत नहीं करे, वो नहीं करे अपनी, लेकिन अपने को तो वही करनी पड़ेगी, है ना। तो शी ऑर्डर भी हो सकता है कि मान लो, हो सकता है कि ये शी जो बड़ी है उसे टीचर वीचर है, या फिर उसका बड़ा भाई है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो अपन तो इसमें रिक्वेस्ट लगाएंगे, है ना। शी रिक्वेस्टेड, है ना, मी टू गिव, ये मी जो है वो चेंज हो जाएगा शी के अनुसार, हर
क्योंकि तीसरा है ना, हर हर मनी, ठीक है, डेट का डेट कनेक्टिव के रूप में आएगा इसी। फिर आता है आई, आई का परिवर्तन शी के अनुसार, शी गेव का हो जाएगा हेड गिवन, क्या होगा, हेड गिवन, ठीक है ना, शी हेड गिवन। यू का परिवर्तन मी के अनुसार मी, ऑन यू का, योर का परिवर्तन मी के अनुसार माय बर्थडे। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो कभी कभी जब ऐसा होता है तो आपको ऐसे करना है। कहने का मतलब फर्स्ट सेंटेंस का टेंस एज इट इज रहेगा, लेकिन कनेक्टिव के बाद के सेंटेंस का टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, और कल हम लेंगे टेस्ट, कल अपने स्टेटमेंट और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टेस्ट है। कल मिलते हैं सेम समय पर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।